अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो फॉर लूप के बारे में है। तो सबसे पहले हम फाइल एक बनाते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं और इसको सेव करते हैं, सेव एज, और इसका नाम रखते हैं हम fr.py, यानी कि फॉर लूप, और इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप जो है वो ये भी चीजों को बार बार, अगर रिपीटेडली हमने कोई चीज करवानी है तो उस काम आता है। सेम एज जिस तरह हमारा वाइल लूप था, वो भी चीजों को बार बार प्रिंट आउट करवाने के लिए, बार बार करवाने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये फॉर लूप जो है ये भी इसी मकसद के लिए काम आता है। तो इसको दो तीन तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम, हमारे पास अगर कोई कलेक्शन है किसी चीज की, कोई लिस्ट है, या हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ये सारी टर्म्स ऐसी हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। कलेक्शन मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट एक वेरिएबल है, स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इसके अंदर स्टूडेंट्स स्टोर हैं, और वो स्टूडेंट्स के नेम हो सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज पहला स्टूडेंट है इसमें आयशा, और उसके बाद हमने कॉमा लगाना होता है, और फिर दूसरा है मरियम। अच्छा, डबल कोट्स में हमने इसको लिखना होता है क्योंकि ये सारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। फिर हम कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर और हैं हमारे पास, लेट्स सपोज वरदा है, डबल कोट्स में लिखना होता है, ये आपने नहीं भूलना। और उसके बाद लेट्स सपोज हमारे पास है अरीज, और फिर हमारे पास है लेट्स सपोज हीना। तो ये कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट है, इसको क्या बोलते हैं, जो इस तरह बड़ी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ होता है। ये पाइथन के अंदर लिस्ट होती है, ये पूरा एक बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो ये मैं आप वो नहीं करवाने लगा कि लिस्ट के बारे में बताऊं कि वो क्या चीज होती है। जस्ट आप ये समझ लें कि जो ये बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह का डाटा लिखा हुआ होता है वो लिस्ट होता है, और ये छोटी ब्रैकेट्स में भी लिखा जा सकता है इस तरह करके। और फिर इसको हम बोलेंगे ये टप्पल है, अगर छोटी ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और इसको दरमियानी ब्रैकेट्स में भी लिखा जा सकता है इस तरह करके। अगर इसको हम दरमियानी ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये सेट है। तो जो मर्जी आप यहाँ पर यूज कर लें, लिस्ट यूज कर लें, टप्पल यूज कर लें, या सेट यूज कर लें, या डिक्शनरी यूज कर लें, ये सारी टर्म्स आप लोग नहीं पता आप लोगों को, बस इसको यहीं से सिर्फ इसका सिंपल ओवरव्यू देख लें कि ये चीज होती है। लिस्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स की, ये कंप्लीट डिटेल के साथ है, ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी और सेट, ये सारी चीजें हमने नेक्स्ट कोर्स में पढ़नी है, तो उसमें हम इसको मजीद अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें हर स्टूडेंट का नेम जो है वो प्रिंट हो जाए। तो मैं फॉर लूप इस्तेमाल करूंगा, फॉर और आगे इन लगाऊंगा, इन एक कीवर्ड है, और यहां पर हम लिखेंगे कि लेट्स सपोज एक वेरिएबल देंगे एक्स, एक्स एन, और यहां पर हमने वो क्या लिखना है जो भी हमारे पास कलेक्शन है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कलेक्शन में, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे स्टूडेंट्स, और आगे सेमी कॉलन लगाएंगे और इंटर करेंगे। तो यहां पर हम इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट, और इसमें एक्स। अब ये लूप क्या करेगा, फॉर लूप वाला, ये इस स्टूडेंट्स की लिस्ट में से एक एक स्टूडेंट को लेगा और उसको एक्स वेरिएबल में स्टोर करता जाएगा। पहले पहले इसके जो इसका सर्कल होना है, पहला फ्लो होना है, उसमें ये पहले स्टूडेंट्स को लेगा, आयशा को, और उसको वेरिएबल एक्स में स्टोर करवा देगा और एक्स को प्रिंट करवा देगा। फिर दूसरे स्टूडेंट को लेगा, मरियम को, और उसको एक्स में स्टोर करवा देगा और एक्स को प्रिंट करवा देगा। फिर आगे तीसरे स्टूडेंट को लेगा। तो इस तरह बारी बारी
हमारी लिस्ट में जितने भी चीजें हैं उन सब को ये बारी बारी इस वेरिएबल जो हमने यहाँ पर जो भी नाम दे लें, यहाँ पर हम y भी नाम दे सकते हैं, और उस वेरिएबल में ये स्टोर करवाता जाएगा जिसका हमने इसको यहाँ पर नेम देना है। तो इसको अगर हम प्रिंट करवा कर देखें तो ये सारे नेम हमारे पास बारी बारी प्रिंट हो जाने चाहिए। तो ये देखें सारे नेम आयशा, मरियम, वर्दा, अरीज और हिना, ये सारे प्रिंट हो गए हैं। तो एक तो इस तरह हम कर सकते हैं कि हमारी अपनी लिस्ट जो है उसको, या कलेक्शंस, ये लिस्ट और मैंने आपको बताया कि टप्पल्स भी हो सकते हैं, डिक्शनरीज भी हो सकती हैं, और ये सेट भी हो सकते हैं। तो उस लिस्ट को हम वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं और यहाँ पर फार रूप में हम वो वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लिस्ट लिख दें, यही वाली, ये लिस्ट डायरेक्ट मैं नीचे लूप के अंदर भी लिख सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला स्टूडेंट्स वाला भी हम यहाँ पर फिर नहीं लिखेंगे, हमारी फर्स्ट लाइन ही यही होगी ये वाली, और यहाँ पर मैं वो लिस्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो अब भी ये सेम वही काम करेगा कि फॉर वाई इन इस लिस्ट के अंदर जो भी चीजें हैं उनको क्या करो, बारी बारी वाई में स्टोर करवाते जाओ और प्रिंट करवाते जाओ। तो इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट जो हमारा फ्लो चलेगा, फर्स्ट इसका जो सर्कल चलेगा, ये आयशा को y के अंदर स्टोर करवाएगा और यहाँ पर y प्रिंट हो जाएगी, मरियम को y के अंदर स्टोर करवाएगा दूसरी बारी और यहाँ पर मरियम प्रिंट हो जाएगी, तीसरे फ्लो में वर्दा को y के अंदर स्टोर करवा कर यहाँ पर y को प्रिंट करवा देगा, चौथे फ्लो में क्या होगा, रीज को y के अंदर स्टोर करवाएगा और यहाँ पर y को प्रिंट करवा देगा, और लास्ट में हिना को y के अंदर स्टोर करवा कर इधर y प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह हम अपना फॉर लूप इस्तेमाल करते हुए चीजों को यहाँ पर प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो यहाँ इस लिस्ट के अंदर मैं 1, 2, 3 भी दे सकता हूँ। तो ये देख लें, यहाँ पर अगर मैं लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या करेगा, बारी बारी पहला जो 1 है उसको y के अंदर स्टोर करवा कर y को प्रिंट करवा देगा, यानी कि 1, फिर 2 को y के अंदर स्टोर करवाएगा और इसको प्रिंट करवा देगा, फिर 3 को y के अंदर स्टोर करवा कर ये y को प्रिंट करवा देगा, यानी कि 3। तो इस तरह ये सारे अल्फाबेट्स, ये जो हैं डिजिट्स जो हैं, इन सब को ये इस तरह प्रिंट करवा देगा। तो ये देखें, उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ये प्रिंट करवा कर हमें दे दिया है। तो इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखें 1 उसने पहले प्रिंट करवाया, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये तो नंबर्स को हम इस तरह प्रिंट करवा सकते हैं अपने फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर हम स्ट्रिंग के अंदर भी फॉर लूप लगा सकते हैं। यहाँ पर एक हम स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं और उसका हम लिखते हैं कि नाम लिख लेते हैं हम कोई, यहाँ पर नाम हम लिख लेते हैं कोई, यहाँ पर हम नाम लिखते हैं वसीम। अब ये क्या करेगा फॉर लूप, इसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको y के अंदर स्टोर करवाएगा और y प्रिंट करवा देगा, फिर इसका सेकंड अल्फाबेट y के अंदर स्टोर करवाएगा और y को प्रिंट करवा देगा, फिर थर्ड अल्फाबेट y के अंदर स्टोर करवाएगा और y को प्रिंट करवा देगा, और ये जब तक खत्म नहीं हो जाते हमारे, इसको ये प्रिंट करवाता रहेगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं, यहाँ पर देखें, ये देखें उसने WASEEM प्रिंट करवा दिया है, एक बारी बारी एक एक करके। तो हम एक, ये तो एक हमने वर्ड दिया है, यहाँ पर हम पूरी लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है कि हम फॉर का इस्तेमाल करते हुए, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपनी एक रेंज इसको दे सकते हैं, रेंज फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ फॉर जो वाई है इन रेंज, रेंज फंक्शन मैंने लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको रेंज देता हूँ 6 की मैंने इसको रेंज दी है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और 5 तक आएगा, मतलब कि 6 से पहले पहले तक आएगा, और पहले 0 को y के अंदर स्टोर करवाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा, फिर दूसरे सर्कल में क्या करेगा, इसको 1 को y के अंदर वैल्यू देगा,
वाई में वन को, और फिर वाई को प्रिंट करवाया जाएगा, और इसी तरह आगे थ्री टू को, थ्री को, फोर को, फाइव को और सिक्स तक ये नहीं जाएगा, सिर्फ फाइव तक जाएगा। तो इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ये देखें जीरो से उसने स्टार्ट किया है और बारी बारी वैल्यूज देता आया है और फाइव तक उसको लेकर आया है। तो ये रेंज वाला हम इस तरह इसको हम स्टार्टिंग रेंज भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखूं ये थ्री से स्टार्ट करे और यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, ये स्टार्टिंग है और ये उसकी एंडिंग है और ये जाए ग्यारह तक। तो ये थ्री, इसने थ्री से इसको काउंट करना स्टार्ट करना है, लेकिन इसका ग्यारह इसने इसमें इंक्लूड नहीं करना, बल्कि सिर्फ टेन तक जाएगा। फर्स्ट साइड से उसको एज इट ले लेता है, लेकिन जो उसकी सेकंड साइड होती है उसका एक हिस्सा ये कम रखता है रेंज का जो फंक्शन है। तो ये थ्री से लेगा एक एक, मतलब थ्री को लेगा, वाई में स्टोर करवाएगा, वाई को प्रिंट करवा देगा, यानी कि थ्री आ जाएगा प्रिंट होकर, फिर फोर को, फिर फाइव को, फिर सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन तक ये जाएगा। और इसको हम रन करवा के यहाँ पर देखते हैं। ये देखें थ्री से उसने स्टार्ट किया है और टेन तक वो प्रिंट उसको करवाता आया है। अब इसी रेंज फंक्शन में हम एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसमें गैप्स लगा सकते हैं कि कितना हमने गैप देना है। मैं चाहता हूँ इसमें थ्री थ्री का गैप आए, और लेट्स सपोज मैं इसको जीरो से स्टार्ट करवाता हूँ, बल्कि वन से स्टार्ट करवाता हूँ, और इसको मैं ले जाता हूँ ट्वेंटी तक, और उसमें टू टू का गैप दे लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर रन करवा के देखते हैं। ये देखें वन से उसने स्टार्ट किया, फिर टू का गैप दिया, थ्री फिर टू का गैप दिया, फाइव फिर टू का गैप दिया, सेवन, तो गैप्स उसने इसमें लगा लगा कर हमें प्रिंट करवा के दिखाया। यहाँ पर हम फाइव का भी लगा सकते हैं, जितना मर्जी हम गैप देना चाहें दे सकते हैं। ये थर्ड वैल्यू हमारी गैप की है कि कितना हमने इसमें डिस्टेंस रखना है, कितना गैप देना है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह प्रिंट करवाएंगे, तो आप देखें ये फाइव फाइव का गैप दे रहा है कि पहले वन है और फिर सिक्स है, फिर ग्यारह है और फिर सिक्सटीन है, फाइव फाइव का गैप है ये। तो इस तरह हम फॉर लूप्स को अपनी मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था कि फॉर लूप्स को हम अपनी कलेक्शंस के अंदर जितनी भी कलेक्शंस हैं उनको प्रिंट आउट करवाने के लिए बारी बारी वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स को यूज करते हुए हम उनके अल्फाबेट्स को भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं। फिर रेंज का फंक्शन हमने देखा, यहाँ पर रेंज इसको दी जा सकती है फॉर लूप के अंदर। तो ये आज हमारा फॉर लूप के बारे में था। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं उनको भी अभी दोबारा से पता चल जाएगा कि किस तरह हम कलेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए फॉर लूप में उन कलेक्शंस को बारी बारी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेस्टेड अब लूप बनाना है। लेट्स सपोज मेरे पास कलेक्शंस है कलर्स की, कलर्स हैं मेरे पास, और इन कलर्स में है ब्लू है, और इसको हमने डबल कोट्स में लिखना होता है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ब्लू कलर है। उसके बाद हमारे पास है कलर पिंक, डबल कोट्स में लिखना होता है, और उसके बाद हमारे पास तीसरा कलर है लेट्स सपोज है ग्रे है, ये तीन कलर्स की कलेक्शन है। और मेरे पास एक और कलेक्शन भी है, वो है थिंग्स की, चीजें हैं मेरे पास कुछ, और उन चीजों में लेट्स सपोज मेरे पास है पहले मेरे पास है बैग, स्कूल बैग है, और मेरे पास है बुक्स, और मेरे पास है पेन है या पेंसिल है, और डबल कोट्स में लिखना होता है पेंसिल है मेरे पास, और मेरे पास क्या चीज है, और मेरे पास है लेट्स सपोज ड्रेसेस हैं मेरे पास, और वो है शर्ट है, यहाँ पर मेरे पास है शर्ट, और उसके साथ मेरे पास है
लेट्स सपोज ड्रेस है, बस इसको मैं लिख देता हूँ ड्रेस है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास खाने की चीजें हैं, चॉकलेट है, चॉकलेट है, और मेरे पास है सैंडविच है, बस ये चीजें हैं मेरे पास। अब मैं इनको, ये सारी चीजें मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और मैंने यूज करना है फॉर लूप और नेस्टेड उसको बनाना है। तो मैं सबसे पहले फॉर लूप लगाता हूँ कलर्स पर। फॉर, यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल लूंगा, लेट्स सपोज मैं उसका सी एल आर कलर ही कह देता हूँ, कलर इन। कहाँ से मैंने ये कलर्स चूज करने हैं, ये इस वाले कलर से। तो मैं लिखूंगा कलेक्शन कलर्स की जो है, इन कलर्स में फॉर लूप यूज होता हुआ क्या करेगा, इन इन सारे कलर्स को बारी बारी किस में लेकर आएगा, इस वाले कलर में लेकर आएगा। और अब यहां पर मैं नेस्टेड फॉर, एक और फॉर इस्तेमाल करना चाहता हूँ दोबारा, ये अब नेस्टेड फॉर है, और इसके अंदर ये क्या करें, इसके अंदर मैं कहता हूं मेरे पास थिंग है, टी एच, इसको हम शॉर्ट लिख देते हैं टी एच एन जी, ये वेरिएबल का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं, थिंग इन, और आगे कलेक्शंस का नाम लिखना है। ये थिंग्स के अंदर मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा थिंग्स, और इस थिंग्स के अंदर क्या चीज हो ये प्रिंट करवा दे, यहाँ पर, यहाँ ये प्रिंट करवा दे, यहाँ पर ये प्रिंट करवाए मेरे पास जो है पहले, यहाँ पर ये कलर एक तो साथ प्रिंट करवाए कलर, और उसके साथ ये प्रिंट करवा दे चीज थिंग टी एच एन जी, ये वाला, ये कलर ये वाला है, और ये जो थिंग है वो ये वाली है। तो अब इस लूप में ये क्या होगा, ये नेस्टेड फॉर लूप्स हैं, अब इसमें फ्लो कैसे चलेगा। अच्छा, यहाँ पर हमने अपने जो कलेक्शंस हैं उनको वेरिएबल्स में स्टोर करवा कर वेरिएबल्स यहाँ पर दिए हैं, हम डायरेक्ट ये कलेक्शंस, पूरी की पूरी कलेक्शन ही यहाँ पर लिख सकते हैं, ये पूरी की पूरी कलेक्शन वहां से उठाकर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी कर लें। तो अब इसमें क्या करेगा, ये पहले फॉर लूप में इन कलर्स के अंदर आएगा, और पहला कलर जो है वो इस कलर जो हमारा वेरिएबल नेम है, इसको हम एक्स ही कर लेते हैं, इसको एक्स कर लेते हैं, और थिंग वाले को हम क्या कर लेते हैं, वाई कर लेते हैं। पहला जो कलर ब्लू है उसकी वैल्यू ये, यानी कि ब्लू को किस में स्टोर करवा देगा, एक्स में स्टोर करवा देगा, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर इस थिंग्स में आ जाएगा फॉर लूप, ये नेस्टेड फॉर लूप है, अब थिंग में आ जाएगा, जो पहली चीज बैग है उसको वाई में स्टोर करवा देगा, और नीचे आ जाएगा और प्रिंट करवा देगा कलर, कलर तो अब नहीं रहे, वो हमने चेंज कर दिया है, हमने उसको एक्स कह दिया है, और थिंग वाले को हमने क्या कह दिया है, वाई कह दिया है। तो जब नीचे आएगा तो एक्स प्रिंट करवा देगा और वाई प्रिंट करवा देगा। एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, एक्स के अंदर हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर है, एक्स के अंदर हमारा ब्लू स्टोर है, और यहाँ वाई के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, वाई के अंदर बैग स्टोर है। जब ये एक दफा प्रिंट करवा देगा, ये दोबारा ऊपर इसी फार में आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो पहले एक नेस्टेड लूप होता है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता हमारा प्रोग्राम ऊपर नहीं जाता, तब दोबारा ये आएगा थिंग्स में, और अब जो दूसरी चीज है बुक है उसको वाई के अंदर स्टोर करवा देगा और प्रिंट करवा देगा एक्स, एक्स के अंदर जो कि कौन सी वैल्यू है, कलर्स में से एक्स के अंदर वैल्यू है ब्लू की ही है, दोबारा से ब्लू भी प्रिंट करवाएगा, और वाई की वैल्यू जो कि बुक है वो प्रिंट करवा देगा, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर दोबारा से इसी लूप के अंदर। दोबारा इन थिंग्स में देखेगा पेंसिल, पेंसिल को क्या करेगा, वाई के अंदर स्टोर करवा देगा और प्रिंट करवा देगा एक्स की वैल्यू जो कि अभी क्या है, ब्लू ही है, एक्स की वैल्यू अभी क्या है, ब्लू है, और ब्लू साथ प्रिंट करवाएगा और साथ में वाई की वैल्यू ये प्रिंट करवा देगा जो कि अभी पेंसिल होनी है। तो थर्ड टाइम ये क्या करेगा,
बिलू के साथ ड्रेस शर्ट प्रिंट करवाया देगा, फिर बिलू के साथ ड्रेस प्रिंट करवा देगा। मतलब कि एक्स की वैल्यूज तो अभी सेम वही रहनी है जो पहले थी, जो कि इस कलर्स में से एक दफा उसने पहली दफा जब ब्लू को इसके अंदर स्टोर किया है, पहले जब प्रोग्राम रन किया था, तो एक्स के अंदर तो अभी वही वैल्यू है, और थिंग्स की जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक्स के साथ साथ प्रिंट होती जाएंगी। तो इसको हम रन करके यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखें, ये उसने ब्लू को लिया है और आगे सारी चीजों के साथ बैग, बुक, पेंसिल, शर्ट, ड्रेस, चॉकलेट और सैंडविच, इन सब के साथ उसने बिलू को प्रिंट करवाया है। और ये जब एक दफा ये लूप खत्म हो गया, ये वाला जब एक दफा लूप खत्म हुआ है तो ये ऊपर आया दोबारा। अब एक्स के अंदर उसने पिंक स्टोर किया है और पिंक स्टोर करने के बाद दोबारा इस लूप में आया है और दोबारा चीजों को इनमें से एक एक चीज को लेकर वाई में स्टोर करता गया है, और हमें ये प्रिंट करवा करवा कर एक्स अब हमारे पास पिंक है, और इधर से वाई कौन सी होनी है, पहले बैग होना है, फिर बुक होनी है, फिर पेंसिल होनी है। तो दूसरी दफा इसने क्या करना है, जब ये इस लूप से निकल आएगा कंप्लीट होकर, तो दूसरी दफा इसने क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू पिंक करेगा और एक्स के अंदर मतलब कि एक्स की वैल्यू पिंक स्टोर करवा लेगा, और चीजें चीजों के साथ अब सब चीजों के साथ अब ये पिंक प्रिंट करवाता जाएगा, और ये लूप ऐसे कंप्लीट होगा। और जब कंप्लीट हो जाएगा ये दोबारा ऊपर जाएगा और ग्रे को लेगा एक्स के अंदर, और फिर इस फार में आ जाएगा। ये फार हर दफा, ये नेस्टेड लूप हर दफा ये रन करेगा। जब भी इस ऊपर वाले ने चलना है उसके नीचे ये नेस्टेड है, ये हर दफा इसको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो इनको हम शार्ट करते हैं थोड़ा ताकि हमें वाजे तरीके से पता चले। हम सिर्फ तीन चीजें ले लेते हैं, ये वाली बैग, बुक और पेंसिल। तो अब हम इसको प्रिंट करवा कर रन करवा कर देखते हैं। तो ये देखें, बिलू और बैग, बिलू के साथ बुक, बिलू के साथ पेंसिल। तो ये पहली दफा जब हमारा ये ऊपर वाला फार जो है, ये वाला फर्स्ट टाइम जब रन हुआ है, तो पहली एक वैल्यू एक्स के अंदर आई है और फ्लो हमारा नीचे वाले फार में आ गया है, और एक्स के अंदर अब क्या स्टोर हो चुका है, बिलू स्टोर हो चुका है, और जो नीचे वाला नेस्टेड फार है थिंग्स में से चीजें ले लेकर वो उसके साथ लगाता गया है, बैग, बुक और पेंसिल और ये सारी चीजें बिलू के साथ ये देखें इसको प्रिंट करवाता गया है। जब एक दफा उसने ये फार कंप्लीट कर लिया है, फिर ऊपर आया है और यहाँ पर अब पिंक को एक्स के अंदर स्टोर करवा दिया है, और दोबारा से अब एक्स की क्या वैल्यू है, पिंक है, तो दोबारा से इन चीजों को प्रिंट करवाना इसने शुरू कर दिया, बैग, पेंसिल और जो बुक है, और साथ अब इनके साथ क्या आएगा, पिंक आएगा। ये देखें नीचे उसने पिंक के साथ इसको किया है कि पिंक बैग, पिंक बुक और पिंक पेंसिल। जब ये कंप्लीट हो गया, फिर ऊपर आया है यहाँ पर, अब भी एक्स के अंदर उसने ग्रे की वैल्यू दी है, और फिर इस लूप में दोबारा से नीचे आ गया, और ये लूप दोबारा से प्रिंट करवाने के साथ करवाने के बाद अब एक्स क्या है, ग्रे है, तो हर दफा साथ ग्रे प्रिंट होगा, हर दफा साथ ग्रे प्रिंट होगा, और साथ वाई की जो भी वैल्यू इसमें से एक एक करके आएगी वो साथ प्रिंट होती जाएगी। तो अब ये नीचे देखें, हर दफा साथ ग्रे है और साथ ग्रे बुक, ग्रे बैग, ग्रे पेंसिल, तो इस तरह करके ये हमारा फ्लो चलता रहा है। तो नेस्टेड लूप हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से अब समझ नहीं आई है तो बता दें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। हमारा व्हाइल लूप क्या करता था, जब व्हाइल लूप एक दफा रन हो जाता था कंप्लीट, उसमें क्योंकि कंडीशंस हमारी पूरी हो जाती थी, तो अगले फ्लो में व्हाइल नीचे वाला नहीं रन होता था। लेकिन इसमें क्या होना है कि इसमें हर दफा जब ऊपर वाला लूप चलना है, हर दफा जब ये वाला लूप चलना है ऊपर वाला, ये नीचे वाला हर दफा उसमें कंप्लीट, हर दफा कंप्लीट करना है। जब भी इसकी वैल्यू ये देगा, हर दफा नीचे वाला चलेगा, जब भी इसमें इसको ये अपना सर्कल कंप्लीट करेगा, हर दफा ये नीचे वाला भी कंप्लीट होगा। तो ये है वाइल में और फार में डिफरेंस। तो आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, इसमें से अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है तो अभी पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम इसको कलर्स लिखने की बजाय ऊपर वाली कंप्लीट जो है वो लिस्ट उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और ये यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये वाली पूरी जो लिस्ट है
इसको मैं कट करके यहाँ से थिंग्स को हम फिर काट देंगे और यहाँ पर ये हम देख सकते हैं, और ऊपर वाली ये कलर थिंग ये फिर गायब कर देंगे हम। तो ये भी सेम वही पहले वाला ही प्रोग्राम है, ये भी ऐसे ही रन करेगा। तो ये नेस्टेड अपना लूप जो है, फॉर लूप, हम इसको इस तरह भी साथ अपनी कलेक्शंस जो हैं वो इसमें दे सकते हैं, इस टाइप की तरह करके भी। तो बाकी आप लोगों ये लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पर, तो वहां से फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी।